हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर आ गई हूँ एक अपनी प्यारी सी रेसिपी लेके, जिसको सभी बहुत पसंद करते हैं। खास करके जब आप होटल में जाते हैं तो उसको खाना बहुत पसंद करते हैं, कढ़ाई पनीर। चलिए इसके इंग्रेडिएंट्स मैं बताती हूँ आपको। ये पनीर है, लगभग 200 ग्राम्स पनीर है। ये घर का निकाला हुआ पनीर है, मैंने इसको घर में निकाला है। इसका मैं आपको वीडियो बाद में दे दूँगी कैसे बनाया मैंने। ये बहुत सॉफ्ट है पनीर, घर का बना हुआ। और फिर इसके लिए मैंने ये ओनियन लिए हैं, रफली चॉप, टमाटर, धनिया पत्ता गार्निशिंग के लिए, कुछ लहसुन की कलियां, अदरक, हरी मिर्च, जीरा और ये कसूरी मेथी। ये इसके मेन इंग्रेडिएंट्स है। उसके बाद मैंने इसमें डालने के लिए एवरेस्ट का मीट मसाला लिया है। और अगर आपको मीट मसाला नहीं चाहिए तो आप इसकी जगह कोई भी गरम मसाला इस्तेमाल कर सकते हैं, या किचन किंग का जो मसाला आता है, उससे होता क्या ना कि एक होटल वाला टेस्ट आता है, मार्केट वाला। फिर हल्दी, नमक, मिर्च। उसके बाद ये मेरे घर की फेटी हुई मलाई है, 2 चम्मच फ्रेश क्रीम। और इसमें मैंने 1 चम्मच दही लिया है और 1 चम्मच टमाटो सॉस। इन तीनों को मैंने एक में मिक्स कर लिया है और इसका एक मैं पेस्ट बना लूँगी एक साथ ही। इसको हम लास्ट में डालेंगे, एक इससे अच्छा, बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये जो मैंने पनीर निकाला था ना, ये उसका पानी है, इसको मैं ग्रेवी के लिए यूज़ करूँगी। ये बहुत हेल्दी होता है पानी, इससे आप आटा गूंथ सकते हैं, इसको दाल में यूज़ कर सकते हैं बनाने के लिए, तो इसको फेंकना नहीं चाहिए। इसको मैं ग्रेवी में यूज़ करूँगी, मुझे जितनी ग्रेवी चाहिए, थिक, पतली, जो भी। बस ये हमारे मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। और सबसे मेन इंग्रेडिएंट्स है ये शुद्ध घी, इसे मैं शुद्ध घी में बनाऊंगी। शुद्ध घी में बनाने से ना इसका टेस्ट बिल्कुल अलग आता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा शुद्ध घी में, सरसों तेल तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि फिर उससे इसका टेस्ट बिगड़ जाएगा। अगर आप शुद्ध घी नहीं खाते तो आप कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट सरसों तेल नहीं। मैं प्रेफर करूँगी शुद्ध घी में बनाना है, नहीं तो आप फिर इसकी जगह बटर यूज़ कर लीजिए। कढ़ाई पनीर में ये दोनों चीज़ ही अच्छी लगती है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। और ये पनीर ना, मैं इसको पहले फ्राई करूँगी, और फ्राई करने के बाद इसको मैं गर्म पानी जो होता है ना, उसमें नमक डाल के रखूँगी। लेकिन ये मेरा घर का पनीर है तो बहुत सॉफ्ट है, इसलिए इसको ज़रूरत नहीं है मुझे गर्म पानी में डालने की। अदरवाइज अगर बाहर से पनीर लाते ना तो वो बहुत कड़ा हो जाता है तलने के बाद। लेकिन ये घर का है, बना हुआ है, बहुत सॉफ्ट है, इसलिए इसको पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है। बस जस्ट मैं इसको हल्का सा फ्राई करूँगी। ये देखिए पैन मेरा गर्म हो चुका है, इसमें मैं घी डालूँगी। ये पैन पर ही डाल दूंगी अपना। बस इसको हम फ्राई करेंगे, हल्का गुलाबी, ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, क्योंकि फ्राई करने से ना, बहुत ज़्यादा लाल करने से ना, इसका टेस्ट भी बिगड़ जाता है। चलिए फिर मैं इसको फ्राई करती हूँ, उसके बाद से मैं आगे का प्रोसेस आपको दिखाऊंगी। ये देखिए पनीर मेरे हो गए हैं, इसको मैं निकाल लूँगी। ये बहुत सॉफ्ट है, इसको पानी में डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको मैं पानी में डालूँगी ना, गर्म पानी में, तो ये हो सकता है टूट जाए और ज़्यादा, इसलिए इसको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है पानी में डालने की। बाहर से जो हम लाते हैं ना, वो पनीर बहुत हार्ड होते हैं, उसको बहुत ज़रूरत पड़ती है, नहीं तो वो अंदर तक उसकी ग्रेवी बिल्कुल नहीं जाती है और वो अजीब सा लगता है, टेस्ट उसमें आता है। ये मैंने निकाल लिए। अब इसमें हमको करना क्या, सेम ऑयल में, सेम पैन में हमें ये भी जितने मसाले हम सब्जियों को काटा था ना मैंने रफली, उन सबको ऐड कर देना एक साथ। सिर्फ आपको धनिया और कसूरी मेथी छोड़ के इसी में हम नमक, हल्दी, मिर्च भी ऐड कर लेंगे टू टेस्ट। और इसको गलने तक, पूरे अच्छे से गल जाए सारी सब्जियाँ एक
एक अच्छा सा पेस्ट ऐसा टेक्सचर आ जाए तब तक इसको हमको पकाना है। इसमें सिर्फ हम अपना गरम वो जो मटन मसाला मैंने रखा था, जो गरम मसाला आप यूज़ करेंगे वो नहीं डालना है, बस ये सब कुछ डाल के हमको ढक करके इसको इसको गलने तक पकाना है। आंच को मीडियम टू स्लो ही रखना है, इसको हाई नहीं रखना, नहीं तो फिर क्या होगा ना, सारे मसाले कच्चे रह जाएंगे, ये सारे सब्जियां कच्ची रह जाएंगी, मसाले भी कच्चे रह जाएंगे। इसको मीडियम टू हाई फ्लेम पे, अरे सॉरी मीडियम टू स्लो फ्लेम पे इसको गलने तक पकाना है। इसको पकने में लगभग 8 से 9 मिनट अच्छे से पकने में। उसके बाद क्या करना है, ये जब पक जाएगा ना तो इसको ठंडा कर लेना है, कूल करके इसको हमको एक मिक्सर ग्राइंडर में इसका एक पेस्ट बना लेना है थिक सा। सो चलिए जब तक ये होता है तब तक मैं और कुछ बना लेती हूँ, लंच टाइम हो रहा है। ये देखिए ये गल गए हैं मेरे सारे प्याज टमाटर मिर्ची लहसुन सब अच्छे से गल गए हैं। अब इसको ठंडा करके हमको इसको एक पेस्ट बना लेना, अच्छा सा पेस्ट महीन, सब अच्छे से पिस जाए उस टाइप उस लायक पेस्ट बनाना है हमें बस। उसके बाद में इसको बनने में ज़्यादा टाइम, सब्ज़ी बनने में बिल्कुल ज़्यादा टाइम नहीं लगती, बस इसी प्रोसेस में आपको टाइम लगेगा उसको पकाने तक, क्योंकि अब इसको भूनना बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि ये सारे मसाले ऑलरेडी पक चुके हैं। सो इसको भूनने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। सो हार्डली इसको पीसने के बाद 5 मिनट में आपकी सब्ज़ी बिल्कुल रेडी हो जाएगी फॉर सर्विंग। और इस ग्रेवी को आप ना किसी भी तरह की सब्ज़ी में आप इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आलू मटर बना रहे हैं उसमें आप ये ग्रेवी यूज़ कर सकते हैं, आलू दम में आप ये ग्रेवी यूज़ कर सकते हैं। सो अगर आप चिकन का कोई आइटम बना रहे हैं, कुछ डिफरेंट खाने का मन है, तो आप इसमें उसमें आप ये ग्रेवी यूज़ कर सकते हैं। बस क्वांटिटी थोड़ा चिकन में ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि वो चिकन थोड़ा मसाले वाला अच्छा लगता है। आलू दम में भी थोड़ा सा इसका क्वांटिटी थोड़ा सा बढ़ाएंगे हम, क्योंकि आलू दम में भी थोड़ा मसाला ज़्यादा चाहिए होता है। पनीर में ज़्यादा मसाला से फिर पनीर का टेस्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। सो ये बस देखना है कि हम किस चीज़ में इसकी ग्रेवी यूज़ कर रहे हैं। सो आप इसको बना के आप उसको स्टोर करके भी रख सकते हैं आराम से, कितने एक हफ्ते तक तो ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। इसको पीस करके आप अच्छे से रख दीजिए स्टोर करके, और निकाल के आप किसी भी, अगर आपके पास खास करके जो बैचलर हैं वो एक बार ये ग्रेवी बना के रख दें, क्योंकि मार्केट में ना प्रिजर्वेटिव यूज़ करते हैं जो भी हमारे मसाले मिलते हैं जो भी वो सब, तो वो थोड़ा सा नुकसानदायक होता है। लेकिन अगर आप इसको बना के आप रख देंगे किसी वीकेंड में, उसके बाद आप इसको किसी सब्ज़ी में डालेंगे, चिकन में डालेंगे, तो बहुत अच्छा टेस्ट आता है। सो एक बार प्लीज़ ट्राई कीजिएगा इसको। सो चलिए अभी ये ठंडा हो जाएगा, उसके बाद मैं आगे का प्रोसेस आपको बताती हूँ। ये देखिए मैंने इसको पीस लिया है, और हम इसमें कुछ करना नहीं, बिल्कुल सेम पैन में जिसमें आपने इसको बनाया था ना, इसको गर्म कर लेना है, और इसमें कुछ भी ऐड करना नहीं है, मतलब कोई भी तेल की कुछ भी अब यूज़ नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी इसमें पनीर में भी हमने इसको घी में फ्राई किया था, और इसको भी घी में, सब इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, इसको बस इसको डाल लेना है। और पानी कीजिएगा ना थोड़ा सा, अगर आपको पानी चाहिए इसमें, तो ये जो हमने मैंने वो बनाया था घर का पनीर उसका पानी मैं यूज़ कर रही हूँ। तो थोड़ा सा ढक के 1 मिनट के लिए एक उबाल आने देंगे मसालों में, फ्लेम हम मीडियम रखेंगे इसमें। अब देखिए ये जो मैंने रखा था ना मलाई घर का दही और टमाटो सॉस, इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। ये आपको सिर्फ आप इसको मतलब ये जो मलाई है दही है और टमाटर है, इसको आप आलू दम में भी यूज़ कर सकते हैं, इससे इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत ही अच्छा आता है। सो आप इसको आलू दम में भी यूज़ कर सकते हैं, किसी भी मतलब कोई इस तरह की सब्ज़ी बना रहे स्पेशल टाइप की तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। खास करके जो कोफ्ता बनाते हैं ना, वो ये पनीर का या मलाई कोफ्ता या और भी मतलब कुछ इस टाइप का कोफ्ता, इसमें आपको डिफरेंट ग्रेवी चाहिए तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसमें हम ना ये जो मैंने मीट मसाला ना इसको डालना है, क्योंकि हमको मसालों को ज़्यादा पकाना नहीं है,
ये मैं अंदाज से ना लगभग 2 टेबल स्पून बोलिए वो डाल रही हूँ। मेरा ना प्याज थोड़े अच्छे से पिसे नहीं है क्योंकि मुझे जल्दी थी, लंच टाइम हो रहा है और मसाला मैंने थोड़ा सा गर्म में ही डाल दिया था, इसलिए मैं डर डर के थोड़ा पीस रही थी, इसलिए थोड़े से ना खड़े खड़े लगे। कोई बात नहीं, आप प्लीज़ इसको थोड़ा सा कूल करके, मेरे पास टाइम नहीं था, बिल्कुल लंच टाइम हो रखा है इसलिए मैंने इसको ठीक से नहीं पीसा, क्योंकि मिक्सी में ना थोड़ा डर लगता है कि गर्म चीज़ कहीं फेंक ना दे। ये आप देख रहे होंगे, खैर ये पके में तो उसमें कोई ये नहीं है। फिर ये कसूरी मेथी हम डाल देंगे इसमें अपना, और इसको 2-3 मिनट तक बस पकाना है हमको। मतलब ये पूरी सब्जी बनने में ना 2-3 मिनट लगेगी बस, उससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं लगेगा टाइम, क्योंकि पनीर की सब्जी तो ऐसे भी जल्दी बनती है, जो भी खेल होता है मसालों का होता है। बस जब इसमें से तेल ऊपर आने लगे ना ग्रेवी में से, उस स्टेज पे हमको उसमें पनीर ऐड कर देना है और ढक करके लगभग 1 मिनट तक आप इसको, क्योंकि पनीर में सारी ग्रेवी अच्छे से अंदर चले जाए, तब तक आप इसको ढक करके पका दीजिएगा। ढकने से ना प्रोसेस जल्दी होता है, तो मैं थोड़ा जल्दी डाल रही हूँ क्योंकि मेरे खाने के लिए सब खड़े हैं, मेरे सर पे सवार हैं, और ख़ास करके ये सब्ज़ी मेरे यहाँ सबको बहुत पसंद है, इसलिए किसी से ना बर्दाश्त नहीं हो रहा, इसलिए मैं डाल दे रही हूँ। आप थोड़ा वेट करके भी डाल सकते हैं इसको। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, मैंने कोई भी एक्स्ट्रा मसाला एक्स्ट्रा तेल कुछ भी यूज़ नहीं किया है। मुश्किल से मुझे 2.5 टेबल स्पून घी लगा है और ज़्यादा मसाले भी मैंने नहीं डाले हैं, बस अपना बल। और जो मेरे प्याज खड़े थे ना वो भी अपना जमने आ रहे हैं पनीर डालने के बाद। ये बिल्कुल बाजारे से थी ग्रेवी हो गई है और खाने में टेस्ट बिल्कुल बाजारे से आता है, होटल जैसा जो हम खाते हैं। अब इसमें ना मैं थोड़ा सा ये पानी ऐड कर रही हूँ, ये थोड़ा सा ग्रेवी मेरे यहाँ सबको चाहिए। अगर आपको नहीं चाहिए ग्रेवी तो आप मत ऐड कीजिएगा, और अगर चाहिए तो आप डालिए, बट बहुत ज़्यादा पतला नहीं, इतना थिक ठीक है बिल्कुल पनीर की सब्ज़ी के लिए। इसको ना मैं थोड़ा ढक देती हूँ, जल्दी प्रोसेस हो जाएगा। ये देखिए इसका कलर कितना अच्छा आया है, आप देख सकते हैं तेल भी अब ऊपर आ गया है अच्छे से। सो बस हमको इसी स्टेज तक पकाना है। अब इसमें मैं अपनी गार्निशिंग के लिए, मैं आप चाहे तो ऊपर से थोड़ा सा, अगर कोई गेस्ट आ रहा है तो ऊपर से आप वो क्रीम फेंट करके डाल सकते हैं गार्निशिंग के लिए, अदरवाइज़ खुद घर में खाना है तो डेली तो पॉसिबल नहीं है। बस ये सब्ज़ी हमारी रेडी है, प्लीज़ अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और एक बार बना करके बताइएगा कि कैसी लगी आपको मेरी ये रेसिपी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।